फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका फेसबुक आईडी हैक हो जाता है और आप अपने फेसबुक आईडी को डिलीट करना चाहते हैं बिना ईमेल आईडी, बिना ओटीपी, बिना मोबाइल नंबर के, तो फिर आज की वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहां से हम ओपन करते हैं अपने फेसबुक ऐप को और मैं आपको बता दूं कि हमारी जब फेसबुक आईडी हैक हो जाती है तो फिर हैकर के द्वारा हमारा मोबाइल नंबर, हमारी ईमेल आईडी सब कुछ चेंज कर दिया जाता है, जिससे हम अपने फेसबुक आईडी में लॉगिन नहीं हो पाते हैं। अगर आप काफ़ी परेशान हो गए हैं और आप अपने आईडी को रिकवर नहीं कर पाते तो उस केस में एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उस आईडी को किसी भी तरह डिलीट कर दें, क्योंकि हैकर हमारी आईडी से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी करता है तो फिर ब्लेम हम पे आएगा, परिणाम उसका हमको भुगतना होगा। तो उस केस में बेहतर ये होता है कि उस आईडी को हम डिलीट कर दें। लेकिन उस आईडी में हम लॉगिन ही नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कैसे डिलीट करेंगे? इसके लिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा कि आप अपना एक अलग से नया फेसबुक अकाउंट बना लीजिएगा, या फिर आप ये कीजिएगा कि आप अपने दोस्त का फोन लीजिएगा और उसके फ़ोन में यहाँ पे क्लिक करके आप अपने आईडी को सर्च कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आईडी है, आप इस तरह से इसे सर्च कर लीजिएगा और इस तरह से सर्च कर लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस तीन बिंदु पे यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट प्रोफाइल, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढना होगा समथिंग एल्स। तो यहाँ से अब आप इस आईडी पे रिपोर्ट कर देते हैं। अब आप सिंपली यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स क्या होता है कि उस आईडी पे रिपोर्ट हो जाता है और आपको सिर्फ एक ही आईडी से रिपोर्ट नहीं करना होगा, आप अपने दोस्त का अलग अलग फ़ोन लेकर और उस आईडी को सर्च करके और इसी तरह से आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, कम से कम 10 से 15 फोन लेकर और उस हैक फेसबुक आईडी पे रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो फिर फेसबुक की टीम उसे रिव्यू करती और 1 से 2 सप्ताह के अंदर अंदर फेसबुक की टीम उस आईडी को परमानेंटली डिलीट कर देती है।